गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स माई सेल्फ प्रेरणा निषाद योर ई बी एस टीचर दिस इज योर कवर पेज ऑफ योर बुक एंड टूडे वी कंप्लीट अवर चैप्टर थर्ड ग्लोब एंड मैप्स एंड द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ओरल क्वेश्चन है इसको आप कॉपी में कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर वन कैन वी सी द होल अर्थ एट वन टाइम नो क्या हम पृथ्वी को एक समय में पूरा देख सकते हैं नहीं ऐसा नहीं कर सकते हैं विच आर द फोर मेन डायरेक्शन हमारी फोर डायरेक्शन कौन कौन सी होती हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ क्वेश्चन नंबर थर्ड विच ओशन इज नेम्ड आफ्टर अवर कंट्री कौन सा ऐसा ओशन है जो हमारे कंट्री के नाम पे रखा गया तो इंडियन ओशन नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन विच डायरेक्शन रिमेन्स एट द टॉप ऑन अ मैप जब हम मैप को देखते हैं तो उसमें कौन सी डायरेक्शन टॉप पे रहती है आंसर इज नॉर्थ विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है ऑस्ट्रेलिया लार्ज वाटर बॉडीज़ आर कॉल्ड क्या कहलाती हैं ओशियन एंड क्वेश्चन नंबर सी नेम द लार्जेस्ट ओशियन तो पैसिफिक ओशियन होगा इसका आंसर द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया थर्ड वन द स्मॉलेस्ट ओशियन आर्कटिक ओशियन द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर वन अ ड्रॉइंग ऑफ द अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट्स ऑन अ फ्लैट सर्फेस ऐसा कौन सा ड्राॅइंग uh, है अर्थ का जिसको हम uh, एक फ्लैट सर्फेस पे दिखाते हैं तो आप जानते हैं कि ग्लोब को हम एक बॉल uh, के स्फेरिकल uh, शेप में दिखाते हैं वो तो फ्लैट होता नहीं है तो मैप ही होगा इसका आंसर अ सिटी गाइड मैप शोन प्लेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट जब टूरिस्ट के लिए हम हम कौन सा मैप ड्रॉ करते हैं तो सिटी गाइड मैप नेक्स्ट अ बिग ग्लोब वुड बी डिफ़िकल्ट टू एक बड़े से ग्लोब को डिफ़िकल्टीज़ uh, क्या आती हैं तो उसको हैंडल करने में डिफ़िकल्टीज आती हैं फोर्थ वन इज़ देयर आर फोर मेन कार्डिनल पॉइंट्स नेक्स्ट ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन नंबर वन आ ग्लोब हेल्प अस टू सी डिफरेंट प्लेसेस ऑन द हम ग्लोब के एल्प uh, से अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस को देख सकते हैं तो ट्रू हम उसको देख सकते हैं सेकेंड स्मॉल मैप्स कैन बी फोल्डेड एंड कैरीड इन बैग्स और पॉकेट्स अगर कोई छोटा मैप है पेपर पे ड्रा किया हुआ तो उसको हम क्या कैरी कर सकते हैं अपने बैग्स या पॉकेट में और उसको फोल्ड कर सकते हैं तो ट्रू क्योंकि वो पेपर पे बना हुआ है तो पेपर आसानी से फोल्ड हो जाएगा और वो आपके बैग या पॉकेट में भी रख जाएगा थर्ड द वॉटर बॉडीज ऑफ द अर्थ इन शोन इज ग्रीन कलर क्या हम जब अर्थ को दिख, दिख ग्लोब पे देखते हैं तो क्या उसको हम ग्रीन कलर में दिखाते हैं तो फॉल्स उसको हम ब्लू कलर में दिखाते हैं द निडल ऑफ द मैग्नेटिक कॉम्पास पॉइंट्स टूवर्ड्स द नॉर्थ जो हमने आपको मैग्नेटिक कॉम्पास पढ़ाया था उसकी निडिल किस डरेक्शन में रहती है नॉर्थ में रहती है ट्रू इसका आंसर हो जाएगा ट्रू मैज द फॉलोइंग लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है आपका एशिया स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया थर्ड डार्क कॉन्टिनेंट अफ्रीका को कहते हैं बच्चों क्वेश्चन आंसर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन व्हाट इज अ ग्लोब आंसर इज अ ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ इट हेल्प अस टू सी डिफरेंट प्लेसेस नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन ओशियन एंड अ कॉन्टिनेंट ओशियन और कॉन्टिनेंट में क्या डिफरेंस है तो देखिए लार्ज वाटर बॉडीज़ आर कॉल्ड ओशियन एंड द लार्जेस्ट लैंड मास नोन एज कॉन्टिनेंट जो बड़े बड़े लार्ज वाटर uh, बॉडीज़ होती हैं मतलब जैसे उनको हम ओशियन कहते हैं जो बहुत ज़्यादा एरिया uh, में फैले रहते हैं और जो लार्जेस्ट लैंड मास होता है उसे हम कॉन्टिनेंट कहते हैं मतलब जो ज़्यादा बड़ी ज़मीनों पे बने हुए हैं वो क्या हैं कॉन्टिनेंट हैं आपके हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मैप आर देयर नेम दे हमने आपको मैप्स पढ़ाए थे उसमें कौन कौन से मैप होते हैं देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मैप पहला है फिजिकल मैप सेकेंड पॉलिटिकल मैप थर्ड अ सिटी गाइड मैप फोर्थ है विच इज़ विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज बाय सेलर्स टू नो द डायरेक्शन सेलर्स मतलब जो नाविक होते हैं जो समुद्रों में या चलते हैं अपनी जर्नी को पूरा करते हैं उनको क्या किस चीज़ की ज़रूरत होती है अ कम्पास इज यूज बाय सेलर्स टू नो द डायरेक्शन तो इसको कम्पास से वो डायरेक्शन का पता लगा लेते हैं कम्पास हमारा किस डायरेक्शन को शो करता है कम्पास हमारा नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है और इससे सेलर्स जो जो नाविक होते हैं उससे डायरेक्शन पता करने में आसानी होती है जिसके जरिए वो अपनी जो ट्रैवल होते हैं उसको कंप्लीट कर पाते हैं थैंक यू बच्चों नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर आपका अगले क्लास में थैंक यू